भगवान अब हो गए कितने साल के? पौगंड वयः, पौगंड अवस्था बोलते हैं 6 साल से। 1 से 5 साल की अवस्था को बोलते हैं कौमार अवस्था। 6 से 10 साल की अवस्था को बोलते हैं पौगंड अवस्था। 11 से 15 साल की अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था, और 16 के बाद की अवस्था को बोलते हैं युवावस्था। हाँ, ये संस्कृत में विभाग है। भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं, 6वीं साल में प्रवेश किए। भगवान फिर आए बाबा के पास, बाबा अब हम और बड़े हो गए हैं, तो लाला अब क्या करोगे? बाबा ने सोचा शायद अब स्कूल जाएंगे, 6 साल के हो गए। बाबा अब हम गैया चराएंगे, गैया बड़ी बड़ी गैया। हाँ, अभी तो बछड़े चराते थे क्यों, हम छोटे थे। बाबा ने कहा लाला और बड़े हो जाओ, गैया तो बहुत दूर तक जाएगी, तुम कैसे चल पाओगे, कैसे वहां तक जाओगे? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब हम बड़े हो गए। हाँ, बाल हट बाबा को स्वीकार करना पड़ा। कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको हम लोग गोपाष्टमी बोलते, उस दिन गायों का पूजन हुआ, ग्वाल बालों का पूजन हुआ, कन्हैया का पूजन हुआ, और उसी दिन से भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। हाँ, प्रारंभ करते हैं गोचारण भगवान कृष्ण, और महाराज ले जाते हैं जगह जगह। एक जगह बहुत अच्छे अच्छे फल लगे थे, बहुत अच्छे अच्छे, बड़ी सुगंध आ रही थी। श्री दामा ने बलराम जी से कहा बड़े सुंदर फल हैं, सुगंध आ रही है, खाने का मन हो रहा है। बोले खाओ। बोले यहाँ पर एक असुर रहता है, वो न खाता है न खाने देता है, जिसका नाम है धेनुकासुर। वो गधे की आकृति में रहता है। ये कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, और कथाओं के साथ शिक्षा भी है। धेनुकासुर गधे की आकृति में रहता है। हाँ, काशी के पंडित इसका नाम एक और, वैशाख नंदन बहुत लोग समझने लग गए, काशी के पंडित रखते हैं चैत्रोत्तरवर्ती नंदन, चैत्र का उत्तरवर्ती, वैशाख, वैशाख में जो आनंदित हो उसका नाम चैत्रोत्तरवर्ती चैत्रोत्तरवर्ती नंदन। तो वैशाख नंदन गधा, गधा माने बेवकूफ। तो बेवकूफ कौन है? जो कमाता जाए कमाता जाए कमाता जाए, न स्वयं खावे न दूसरे को खाने दे, उसका नाम है धेनुकासुर। बिंद भवन में कोई नहीं होगा, जानकारी के लिए बताया मैंने। जो खाली कमाता रहे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बंबई में मैंने देखा, उनको पता नहीं वो क्यों कमा रहे, और उनके पास कितना है ये उनको पता नहीं, फिर भी कमाए जा रहे हैं। न खाते हैं न खाने देते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? धेनुकासुर। हाँ, उनका उद्धार गुरु जी करते हैं। बलराम जी ने किया, कृष्ण जी ने नहीं किया, वो बिना गुरु के समझाए ज्ञान नहीं होगा। बलराम जी ने कहा अच्छा चलो खाओ मैं देखता हूँ, पेड़ों को हिलाया, धेनुकासुर दौड़ा, दोनों के पीछे के लात मारना चाहता था, बलराम जी ने पकड़ा, आकाश में घुमाया और पेड़ पे दे पटका। धेनुका बड़ी जोर से मारा भाई, धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाँ, सारे पेड़ गिर गए, फल गिरे, सारे ग्वाल बालों ने खूब खाया। फल खाने के बाद जमुना जी का पानी पिया, संयोग से उस जगह पर आज उन्होंने पानी पिया जहां पर काली नाग रहता था, जमुना जी से सरोवर मिला हुआ था। सारे ग्वाल बाल बेहोश हो गए, कुछ की तो मौत हो गई, भगवान ने जिलाया अपनी शक्ति से, कुछ गाय कुछ ग्वाल बाल मर गए। भगवान ने संकल्प किया अब इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, काली नाग को। काली नाग है अभिमान का प्रतीक, अभिमान। अभिमान भी जब तक भगवान की लीला के मध्य में रहेगा तब तक रस आने वाला नहीं है। एक जगह मैं किसी बड़े घराने में कथा कर रहा था, बड़ा घराना मतलब उद्योगपति, वो सब उनके परिचित लोग आए, मेरे से तो ज्यादा परिचित थे नहीं। अब कथा का प्रसंग चल रहा है, रस चल रहा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, उनके चेहरे पर कोई हाँ भाव न, अब वो दुखी हैं कि सुखी हैं या क्यों बैठे हैं, मेरे को कहने ही पड़ा कि आप कथा में आए हो कि शोक सभा में आए हो। अरे भाई, वो उनको पैसे का युगो। हाँ, हम हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाँ हम ताली बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम कीर्तन गाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, तुम क्लबों में जाते हो तो नहीं सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तुम घोटाला करते हो तब नहीं सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तुम रिश्वत देते हो या लेते हो तब नहीं सोचते हो लोग क्या कहेंगे। भगवान की कथा तो मेरे को कहना पड़ा, मैंने कहा तुम लोग अगर ऐसे बैठे रहोगे तो मेरे से कथा नहीं होगी। अरे भाई, भगवान की कथा है, यहाँ सब एक है,
या वक्ता भी भगवान का भक्त है, श्रोता भी भगवान का भक्त है, बस इतना मान के ही चलना है। हा? तो महाराज अभिमान, काली नाग है अभिमान। अब काली नाग माने अभिमान जब तक रहेगा तब तक भगवान की कथा का रस आने वाला नहीं है। भगवान अगले दिन हाँ करते हैं निश्चय, आज काली नाग का उद्धार करना है। काली नाग का उद्धार करना था तो वो महाराज बलराम जी को साथ में लेके नहीं गए। अब देखें कैसे कैसे विलक्षण बातें, बलराम जी को लेके नहीं गए। क्यों? बलराम जी शेषावतार है, और कहीं बलराम जी नागों का पक्ष ले लिया, सर्पों का पक्ष ले लिया, तो सर्पों का पक्ष लेने से वो मना कर देंगे, मत मारो ये हमारी जाति का है। अब मना कर देंगे तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई की बात न मानना अपराध होगा, और मानेंगे तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा, लीलाएं कैसे चलेंगी, ज्यादा अच्छा है इनको मत बताओ मत ले जाओ। ये भागवत में लिखा है कि बलराम जी को श्री कृष्ण उस दिन नहीं ले गए जिस दिन काली नाग का दमन करना था। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जब रोज जाते थे तो मना कैसे किया उनको कि आज आप मत जाइए? बड़े भाई को मना भी तो नहीं किया जा सकता ना, आप कैसे नहीं आज नहीं जाएंगे कैसे कहा? इस पर भी जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार जीव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कैसे मना किया, बोले जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस दिन धेनुकासुर का उद्धार किसने किया? बलराम जी ने। धेनुकासुर माने गधा, गधे की आकृति में रहता था। बलराम जी को नाराज करने के लिए जानबूझ करके श्री, क्योंकि अगले दिन करना था काली नाग का उद्धार। उस दिन शाम को जब सब ग्वाल बाल लौटे तो बलराम जी के सामने श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मैया मैया आज दाऊ दादा ने गधे को मार डाला। अब कोई बहुत बड़े योद्धा के विषय में ये परिचय दिया जाए कि इन्होंने गधे को मार डाला, भाई शेर को मारा जाए, शेर को मारा है तब तो ये माना जाएगा बहुत बड़ा योद्धा है, निशानेबाज है, बहादुर है। तो किसी बहुत बड़े योद्धा का ये परिचय दिया जाए कि इन्होंने गधे को मार डाला है तो योद्धा प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? भगवान की क्या कला थी श्री कृष्ण की, हाँ एक एक बात उनके देखने में आती, क्या विलक्षण उनका प्रतिभा थी। जान बूझ के यशोदा जी से बलराम जी के सामने कह दिया, मैया आज दाऊ दादा ने गधे को मार डाला। बलराम जी नाराज हो गए, ऐसे बोलता? इतना बड़ा असुर था जिसको मैंने मारा, कोई गधा था? वो गधे की आकृति में रहता था। जा मैं कल तेरे साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा, यही तो चाहते थे कल ये ना जाए। वो नाराज हो गए, नहीं गए, अपने आप ही नहीं गए, नाराज हो गए। अगले दिन श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेके गए। अब महाराज वो कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए, ग्वाल बालों ने बाल वो गेंद फेंक दी, विवश किया, ऐसा भागवत में नहीं, उनको तो स्वयं उद्धार करना था। कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए, चढ़ करके महाराज जानते बालों को संभाला, फेंटे को कसा, हाथों पे ताल दी और जल राशि में कूद गए, काली नाग के सरोवर के जल राशि में जोर जोर से लहरें उठने लग गई। नाग पत्नियों ने देखा, नाग पत्नियां श्री कृष्ण की भक्त हैं, उन्होंने कहा, कन्हैया आपने हमको दर्शन दिया बड़ी कृपा की, लेकिन आप जल्दी बाहर निकल जाओ, अगर हमारा पति जग गया, बड़ा क्रोधी है, वो आपको डसे बिना छोड़ेगा नहीं, हमसे देखा नहीं जाएगा, आप जल्दी निकल जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, माताओं तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं उसको जगाने आया हूँ, मैं जाने वाला नहीं, मैं तो जगाने के लिए आया हूँ। और जोर जोर से पानी को पीटने लग गए, ओ काली नाग जग गया। जैसे ही जगा, ओ ओ फुफकार, 101 फण थे सतई का शीर्षना, 101 फण थे काली नाग के, ओ फुफकारता हुआ दौड़ा श्री कृष्ण की तरफ, सारे शरीर में लिपट गया, जगह जगह डस लिया, भगवान लीला करने लग गए। काली नाग सारे शरीर में लिपटा हुआ है, कभी जमुना जी से बाहर आ जाते हैं ऊपर, कभी नीचे डूब जाते हैं। ग्वाल बाल गैया श्री कृष्ण को इस अवस्था में देख करके सहन नहीं कर पाए, बेहोश होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण आज काली नाग के फंदे में, इसमें इतना विष है, इस सरोवर का जो पानी पी लेता है वो मर जाता है, तो काली नाग ने श्री कृष्ण को डस लिया है, आज कैसे बचेंगे? जानते नहीं कि भगवान है, बेहोश होकर गिर पड़े। इधर बलराम जी नंद बाबा यशोदा मैया को लेके आते हैं, वो भी बेहोश हो जाते। श्री कृष्ण ने देखा ब्रजवासी अत्यंत दुखी हो रहे, श्री कृष्ण ने अपने श्री विग्रह को बढ़ाना प्रारंभ किया, मोटा करना प्रारंभ किया, काली नाग का शरीर टूटने लग गया, छोड़ करके सामने खड़ा हो गया, हजार फण पैंतरेबाजी कर रहा है। अब महाराज श्री कृष्ण की अवस्था कितनी थी, काली नाग के ऊपर जब नृत्य किया, 6 साल की, 6 साल की, ये सब रास लीला की भूमिका है।
छह साल के भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई और काली नाग के सिर पर सवार हो गए और नाचने लग गए। बोलिए काली मर्दन भगवान की, काली मर्दन भगवान की। छह साल के कन्हैया काली नाग के फण पे नाच रहे हैं और एक फण को नाचते नाचते घायल कर दिया, दूसरा फण उठा के डसा उसने, कूद करके दूसरे फण पे चले गए। दूसरे फण पर नाचते नाचते उसको घायल, ताल गति के साथ नाच रहे। बोले ताल कहाँ से मिल रही थी, आकाश में देवता खड़े थे, वो ताल दे रहे थे, ताता थे ताता थे ताता थे, ताल गति के साथ नाच रहे। एक टीकाकार ने लिखा है, कल्पना करो कम से कम अगर 3 मिनट भी एक फण पर नाचे होंगे, मिनिमम 3 मिनट, जैसे घायल हो गया बेहोश हो गया, 3 मिनट भी अगर एक फण पे नाचे होंगे तो 100 फण पे नाचने में कितना टाइम लगा, 300 मिनट, कितना घंटा हुआ, 5 घंटा। 6 वर्ष का बालक एक नाग के फण पर 5 घंटा जो नाच सकता है वो मनुष्य बालक है या भगवान है। सबसे पहली घटना, ये सारी घटनाएं सिद्ध करती हैं ये भगवान की लीला थी, मनुष्य की लीला नहीं थी। कई लोग कहते हैं भगवान ने रासलीला क्यों की, क्यों नाचे, हम भी नाच सकते। हमारे गुरु जी कहते थे भगवान ने रासलीला बाद में की, काली नाग के फण पे पहले नाचे। तुम काली नाग के फण पे नाच के दिखा दो तो हम तुमको छूट दे देंगे रासलीला की। काली नाग के फण पे नाचेगा कोई, यहाँ भी कोई है, काली नाग को देख के भले नाचने लग जाए काली नाग के फण पे कौन नाचेगा। और आपकी जनरेशन तो फिर भी ठीक है, आपके आगे की जो जनरेशन, जो बच्चे हैं, काली नाग के बाद छोड़ो कॉकरोच दिख जाए, बाथरूम में हंगामा खड़ा कर देते हैं। अरे एक बच्चा चिल्ला रहा था फोन पे, मम्मी मम्मी मम्मी, मैंने सोचा क्या हो गया, मैंने कहा क्या हुआ, बोले कॉकरोच है बाथरूम में। कॉकरोच कॉकरोच है तो हंगामा क्यों खड़ा कर दिया, ये जो हालत है। फिर लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने रासलीला क्यों की, चिरहरण क्यों किया। हमारे गुरु जी दो ही बात कहते थे, कृष्ण भगवान ने दोनों काम करने के पहले काली नाग के फण पे नाचे और गिरिराज को एक उंगली पे उठाया। ये दोनों काम जो कर सकता है वही चिरहरण और रासलीला कर सकता है। काली नाग के फण पे नाच के दिखा दो और गिरिराज जी को एक उंगली पे उठा के दिखा दो। गिरिराज जी कौन उठाएगा, 1 टन का पत्थर ही उठा लो। और बड़े घरों में तो 1 टन के पत्थर की बात छोड़ो, अपनी अटैची उठा लें वही बड़ी बात है। अपने अटैचे के लिए कुली चाहिए, नौकर चाहिए, ऊपर से नीचे रखने के लिए। तो ये भगवान है, काली नाग के फण पे नाचने लग गए, नाचते नाचते सभी फणों को घायल कर दिया। नाग पत्नी आती है, नाग पत्नियां समझ गई हमारा भ्रम था कि बालक है, समझ गए भगवान है। प्रार्थना करते, क्या भक्ति थी उनके जीवन में, प्रार्थना करती नाग पत्नियां, न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेषमिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु, हम समझ गए आप भगवान के अवतार, कोई 6 वर्ष का बालक ऐसे नाच नहीं सकता है। आपने दुष्टों के दमन के लिए अवतार लिया है, ये दुष्ट है। नाग पत्नी अपने पति के लिए बोल रही, जो सच्चाई है बोल रही, ये दुष्ट है, आपने इसका दमन किया, वो बात हमको समझ में आ गई। लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। नाग पत्नियों का भाव इसी से पता लगता है। प्रभु, बड़े बड़े महात्मा संत लोग घर परिवार छोड़ देते हैं, जीवन आपके लिए लगा देते हैं, उनमें भी किसी को आपके चरणों के दर्शन होते हैं, किसी को नहीं होते। लेकिन ये काली नाग, इसके किस सत्कर्म का फल है जो 5 घंटे तक केवल दर्शन नहीं आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त होता रहा। ये काली नाग ने कौन सी साधना की है, ये नाग पत्नियों का भाव देखो प्रभु, हमारी समझ में नहीं आता है। भगवान क्या कहें, भगवान मुस्कराए। एक्चुअली इनके नाग, काली नाग की महिमा नहीं थी, नाग पत्नियों की महिमा थी। कहीं कहीं पत्नी के माध्यम से भी पति को प्रभु की प्राप्ति होती है, कहीं पति के माध्यम से पत्नी को प्रभु की प्राप्ति होती है, नाग पत्नियों की महिमा थी। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु अब आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा हमारा पति, बेहोश तो हो ही गया है। भगवान नाग पत्नियों की बात सुन करके उतर के नीचे खड़े हो गए। धीरे धीरे काली नाग को होश आता है, अभिमान की पराकाष्ठा,
होश आने के बाद भी प्रणाम नहीं किया कृष्ण भगवान को, प्रश्न कर दिया इस दुनिया को किसने बनाया। सो पहचान तो गया कि भगवान है, भगवान है, पहचानने के बाद भी प्रणाम नहीं किया। आप इसकी दुष्टता की पराकाष्ठा देखे, कह रहा ये दुनिया को किसने बनाया, आपने। इस दुनिया में नाग किसने बनाए, आपने। नागों में जहर किसने बनाया, आपने। नागों में काटने का स्वभाव किसने बनाया, आपने। इसके बाद अगर हम किसी को काटते हैं तो दोषी कौन है? क्यों वकील साहब, कितना सुंदर तर्क दिया। दोषी कौन है? आपने सब कुछ बनाया, विष आपने बनाया, स्वभाव आपने बनाया, नाग आपने बनाया, हमारा काम वही है। हम काटते हैं तो बनाने वाले का दोष है या काटने वाले का दोष है? सिद्धांततः कहीं तक उसकी बात ठीक है, लेकिन वो स्वयं उस सिद्धांत उस लेवल पे था नहीं जिस लेवल की वो बात कर रहा है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीन लेवल है। ये है अधर्म के रास्ते पर, कर्म के धर्म के रास्ते पर भी नहीं है। बात कर रहा है भक्ति सिद्धांत की। यह भक्ति सिद्धांत है, सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, यह भक्ति सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत कहता है व्यक्ति कर्म में स्वतंत्र है, फल में परतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन वही भगवत गीता में भक्ति सिद्धांत में कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया अभिप्राय। कर्म सिद्धांत कहता है व्यक्ति कर्म में स्वतंत्र है, फल में परतंत्र है। भक्ति सिद्धांत कहता है ईश्वर के द्वारा सभी संचालित हैं। और वो बोला गाली तुमने क्यों दिया, अगर आपने सत्संग में सुन लिया सब कुछ भगवान कराते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो आप कह सकते हैं, कह देते हैं कई लोग, भगवान की इच्छा थी इसलिए गाली दे दी हम, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन गाली देने के बदले जब उस सामने वाले ने दो डंडा मारा आपको, उस डंडे में आपको भगवान दिखा कि नहीं? अगर उस डंडे में भगवान दिख गया तो आपकी निष्ठा ठीक है, और अपनी गाली में भगवान की इच्छा दिख गई और डंडे में व्यक्ति दिख गया तो आपकी निष्ठा चालाकी वाली है। हाँ, यही चालाकी की निष्ठा काली नाग की है। प्रश्न तो कर दिया, कई वक्ता लोग बड़े प्रसन्नता में कह देते काली नाग ने भगवान को निरुत्तर कर दिया। अरे निरुत्तर भगवान को कोई नहीं कर सकता, काली नाग क्या करेगी? काली नाग के सीधे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, प्रैक्टिकली दिया। भगवान ने नहीं कहा कि हाँ ठीक है मैंने बनाया मेरी गलती, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा अच्छा काली नाग आप लोग और थोड़ा विचार करो, पानी में काला सर्प कभी नहीं रहता है। आप अगर ध्यान से देखें पानी में खाली पानी वाला सर्प रहता है, काला सर्प पानी के बाहर रहता है, लेकिन ये काला नाग पानी में क्यों रह रहा है? भगवान ने पूछा तुम यहाँ क्यों रहते हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं, तुम्हारा स्थान तो रमणक द्वीप है, वहाँ जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले गरुड़ जी बहुत मारेंगे बाहर निकलते ही। क्यों मारेंगे? बोले गरुड़ जी का हिस्सा मैं खा गया था। माने जो दूसरे का हिस्सा छीन रहा है वो समस्या आने पर भक्ति की दुहाई दे रहा है। गरुड़ जी बहुत मारेंगे। बोले गरुड़ जी यहाँ क्यों नहीं आते? बोले यहाँ सोभरी ऋषि ने साप दे रखा है। क्यों? बोले गरुड़ जी यहाँ आके मछली खाते थे, सोभरी ऋषि ने मना किया, नहीं माने तो सौभरी ऋषि ने कह दिया आगे से तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, तब से गरुड़ जी नहीं आते। हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा महाराज गरुड़ जी तो भगवान के भक्त हैं, मछली कैसे खाते थे? अब लिखा तो है खाते थे, भागवत में लिखा है खाते थे। हमारे गुरु जी ने कहा वो बंगाली वैष्णव थे। महाराज जी तो ऐसे ऐसे समाधान निकालते थे। बोले बंगाली लोग मछली को नॉनवेज नहीं मानते। बोले बंगाली वैष्णव थे बंगाली थे महाराज। महाराज जी के तो क्या क्या समाधान कहाँ से उनके बुद्धि में आते थे, सुन के आश्चर्य होता था। तो गरुड़ जी मारेंगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा अभी तो तू कहता था सब कुछ मैं करता हूँ, अब गरुड़ जी बीच में कहाँ से आ गए? समझ गया मेरा प्रश्न ही गलत था, मेरा लेवल ही गलत था, माफी मांगा। भगवान ने कहा अब तू बाहर जा, तेरे को गरुड़ जी नहीं मारेंगे। क्यों? तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए। गरुड़ जी जब देखेंगे कि भगवान के चरण चिन्ह इसके मस्तक पर बने हुए, समझ जाएंगे ये वैष्णव हो गया है और वैष्णव को वैष्णव नहीं मारता है। तुम हमारी पार्टी में शामिल हो गए हो। दूसरी पार्टी का आदमी अपनी पार्टी में आ जाए तो कितना भी खराब हो अच्छा हो जाता है, और दूसरे में चला जाए तो अच्छा भी हो खराब हो जाता है। डॉक्टर जामदार बहुत हंस रहे। ये देखा जाता है, रोज हो रहा है।
तो यहां भी भगवान क्या है कि यूनिफॉर्म है। भगवान भगवान ने कहा हमारे जब चरण चिन्ह देखेंगे गरुड़ जी तो नहीं मारेंगे, को समझ जाएंगे वैष्णव हो गया है। अभिप्राय मैंने जो एक दिन बात कही थी, भगवान के भक्त को कभी भगवान की ये यूनिफॉर्म चरण चिन्ह है, माला है, तिलक है, ये धारण करने से परहेज नहीं करना चाहिए। मैंने फिर कहता हूँ, स्कूल में बच्चे आते हैं बिना यूनिफॉर्म के आप एंट्री नहीं देते हो। ऑफिसर पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, ऑफिस जाएगा बिना यूनिफॉर्म के आप एंट्री नहीं देते हो। क्या भगवान का रास्ता इतना सस्ता है? बिना यूनिफॉर्म पे आप एंट्री चाहते हो? हाँ, और सच बताओ तिलक लगाने से। अच्छा ऐसे बताओ, आपका ही बालक है आपके बीच का जो बामन भगवान बना था, जो महाराज हाँ श्रीनाथ जी बना था, कितनी सुंदर वेशभूषा थी, और वो कपड़े बहुत सस्ते थे जो आप पहनाते हो, महंगे कपड़े होते। हाँ तो ठीक है, आप जैसा समाज है वैसा रहो, लेकिन एक तुलसी की माला डाल लो, रुद्राक्ष की माला डाल लो, थोड़ा सा तिलक लगा लो, आपको कोई समाज से बाहर नहीं निकालेगा। हाँ ये भगवान की यूनिफॉर्म है। हाँ गरुड़ जी को इसी से माफी मिली। गरुड़ जी काली नाग को भगवान ने कहा जाओ अब गरुड़ जी नहीं मारेंगे, भगवान की परिक्रमा किया, परिक्रमा करके बाहर गया, बड़ी भारी सामग्री दिया भगवान को और रमणक द्वीप को चला जाता है भगवान से आशीर्वाद लेकर के। बोलिए काली मर्दन भगवान की, काली मर्दन भगवान की।